बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को चाप में डाल के बॉईल कर लेंगे। बॉईल होने के बाद जो चाप का स्टॉक है उसे हम राइस बनाने में यूज करेंगे। पोटैटोस को फ्राई करने के बाद निकाल देंगे और उसी ऑयल में होल गरम मसाला और अनियन डालकर फ्राई कर लेंगे। अनियन सॉफ्ट होने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे। चिली पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे। अभी हम उसमें टमाटोज ऐड कर लेंगे। फिर हम डालेंगे उसमें सॉल्ट और लिड लगाकर उसे 2 मिनट तक पकने देंगे। अभी लिड हटा देंगे और उसमें डालेंगे बिरयानी मसाला, आपके पास जो कोई भी आप वो डाल सकते हो। फिर इसके अंदर डाल देंगे हम कर्ड, थोड़े से पोटैटो फ्राइज मसाले में ऐड करेंगे। चाप का जो स्टॉक है उसके अंदर हम राइस डाल देंगे, तो उसमें हम ऐड कर लेंगे कोरिएंडर, ग्रीन चिली, होल गरम मसाला और लेमन। कर्ड और एक विसल ले लेंगे। स्टीम फॉर 10 सेकेंड्स। माशाल्लाह राइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है। तो हमारा क्ले पॉट है उसे हमने पहले ही 30 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लिए थे। फिर डाल लेंगे हम घी, थोड़ा सा फूड कलरिंग, बिरयानी मसाला, मसाला, बॉइल्ड एग्स, फिर एक और एक लेयर ऑफ राइस। इट्स टाइम फॉर असेंबल गाइस, इट लुक्स वेरी गुड। और थोड़ा सा और फूड कलर और बिरयानी मसाला, और ऊपर से हमारा डालना है थोड़ा सा और फूड कलर, रेड और ऑरेंज हमने डाला है, आप कोई भी डाल सकते हो। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा और डाला है येलो। फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस और जो हमारा बचे हुए पोटैटोस थे वो, और इसे थोड़ा गार्निश करने के लिए विद सम कोरिएंडर, और ऊपर से हम डाल देंगे बेरिस्ता यानी कि फ्राइड ऑनियंस। ऊपर से डाल देंगे हम बॉइल्ड एग्स और उसे हम सिल्वर फॉइल से अभी रैप कर लेंगे। अभी हम उसे स्टीम करेंगे फॉर 20 मिनट्स। जो चाप को हमने बॉईल किए थे उसे ही हम एग में डिप करेंगे। उसके बाद में हम ब्रेड क्रम से हम कोट करेंगे और फिर उसे फ्राई करेंगे। नाउ पॉट मंडी राइस विद मटन चाप फ्राई इज रेडी। सो गाइज, अभी मैं आपको बताती हूँ इसका फाइनल लुक। ओ माई गॉड गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था और राइस भी बहुत अच्छे से कुक्ड हो गई है और अभी मैं यहाँ पर सर्व कर रही हूँ। बिस्मिल्ला। गाइज,